मोदी सरकार कहती रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अजमेर के ये नेताजी भी ऐसा चोला पहने हुए थे कि जब 26 जून को शाम 4 बजे एमटीटीवी इंडिया ने नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ जैसी खबर के प्रति अपनी दूरदर्शिता और गंभीरता दिखाई तो उनके चमचे हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगे। लेकिन अब एमटीटीवी इंडिया उस मामले से पर्दा उठा रहा है और अजमेर की बड़ी खबर आपको बता रहा है। खबर है कि रविवार को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे पर दाग लगने वाली घटना आखिर सामने आ ही गई है। भाजपा नेता और पूर्व उपसभापति सोमरतन आर्य ने एक नाबालिग बच्ची को अपने घर बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की है। ये घटना 12 जून को उस वक्त हुई जब सोमरतन आर्य घर पर अकेले मौजूद थे और उसी वक्त नाबालिग बच्ची को सम्मान दिलाने के बहाने सोमरतन आर्य ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। रविवार को बच्ची के पिता ने हिम्मत दिखाई और सोमरतन आर्य के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिए। इस FIR से बच्ची के पिता ने एक मिसाल भी पेश की है जो पूरे अजमेर के लिए मिसाल पेश करती हुई हमें नजर आती है कि एक बेटी की सुरक्षा के लिए पिता किसी भी प्रकार के दबाव और समाज में दो चेहरे लगाए दरिंदों से लड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर इस घटना की चर्चा पूरे अजमेर शहर के साथ साथ भाजपा और RSS में भी चल रही थी। बताया ये भी जाता है कि इस BJP नेता के संबंध कई कैबिनेट मंत्रियों और अन्य बड़े नेताओं से काफ़ी अच्छे हैं। खैर, MPTV इंडिया आपसे आग्रह करता है कि अपनी बेटियों को इतना मजबूत और शिक्षित कीजिए कि छेड़छाड़ जैसी घटना करने की किसी की हिम्मत ना हो, और यदि ऐसी घटना हो भी जाती है तो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने में FIR दर्ज कराएं, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा के लिए MPTV इंडिया हमेशा आपके साथ है। जैसा जानकारी में आया है कि भाजपा नेता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। पॉक्सो एक्ट जो है सीधा सीधा एक गंभीर अपराध है जो बालकों के साथ लैंगिक यौन शोषण के मामले का एक गंभीर आरोप है। इसमें जो है चाहे किसी के भी द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है एक समाज के प्रति घिनौना निंदनीय है, और इसकी जितनी भी एक निंदा की जाए उतनी कम है, और ये एक जघन्य अपराध है। और इसके अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं वो बिल्कुल ये जो है 1950 में जब भारत का संविधान जब लागू हुआ था उसके बाद में लगातार बालकों के साथ जो यौन अपराध हो रहे थे उसके संबंध में ये महती आवश्यकता बढ़ गई कि इस तरह का कानून लाया जाए। इसके लिए मेनका गांधी सहित कई लोगों ने मांग की थी। उसके बाद में पॉक्सो एक्ट का जो कानून है वो सदन में पेश हुआ था और उसके बाद पॉक्सो एक्ट लागू हुआ। और जैसा मालूम पड़ा है कि अजमेर के अंदर इतना बड़ा घटनाक्रम एक जिम्मेदार नेता के द्वारा किया गया है, और निश्चित रूप से इसके अंदर प्रावधान ये है कि FIR दर्ज होने के बाद में सीधे न्यायालय के अंदर 164 के अंदर बयान होते हैं और बयान लेखबद्ध होते हैं, तत्काल इसमें गिरफ्तारी के प्रावधान है। और यदि मामला अत्यंत गंभीर होता है तो इसके परिणाम बहुत ही आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा के प्रावधान इसके अंदर पॉक्सो एक्ट के अंदर दिए गए हैं। और निश्चित रूप से इसके अंदर राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और पुलिस का दायित्व है कि तत्काल आरोपी को जो है हिरासत में ले और उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। ऐसे नेता जहां बाबा राम रहीम इससे जुड़े हुए थे, आसाराम इससे जुड़े हुए थे, और ऐसे ही कई जो सफ़ेदपोश नेता हैं जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं, निश्चित रूप से उनका सामाजिक बहिष्कार तो होना ही चाहिए। और निश्चित रूप से जितनी भी संस्थाएं हैं उनका नैतिक और मौलिक दायित्व है कि अजमेर शहर के वासियों की रक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से उन्हें किसी भी ऐसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जिससे समाज के लोग जुड़े हुए हों। और समाज सेवा की आड़ के अंदर जिस तरह के गोरख धंधे चलते आए हैं वो हम बाबा राम रहीम के मामले में, आसाराम के मामले में देखा है, और यही मामला भी बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ लगता है कि बिल्कुल सफ़ेदपोश बनकर जिस तरह से जो अपराध कारित कर रहे हैं उन्हें कतई नहीं बख्शा जाना चाहिए।